पद पावन शोक न सावन। भगवान का स्पर्श हुआ, शोक का अंत हुआ, श्राप भी नष्ट हुआ। वह कन्या जैसी पवित्रा, सिद्धा, मुग्धा, नित्या पावनी बन गई। हमारे ग्रंथों में कन्या को सर्वाधिक पवित्र बताया, हमारे यहां कन्या को पवित्र बताया। एक साल की कन्या, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे आठ साल तक की कन्या, वैसे तो पांच साल तक की, आठ तक भी बताया है कन्या। नौ से दस ग्यारह तक वो गौरी कहलाती है, फिर किशोरी, तरुणी कहलाती है, फिर वो युवती कहलाती है, कन्या, सुकन्या, और देवकन्या, पंचकन्या, ऐसे कन्याओं का हमारे यहां उल्लेख है। कन्या जैसी सिद्धा बन गई अहिल्या। मंदोदरी को भी कन्या की संज्ञा दी है, तारा को भी, द्रौपदी को भी, इनको कन्या बताया गया है शास्त्रों में। तारा को भी, जबकि उनके भी दो पति, सुग्रीव भी उनके पति बने ना। मंदोदरी को भी कन्या बताया गया, विभीषण की बाद में वो पत्नी बनी। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यं सर्व पाप विनाशनम्। कुंती, सूर्य से भी उनके संबंध रहे ना, सूर्य से पुत्र पैदा हुआ कर। द्रौपदी के तो सीधे सीधे पांच, देव सत्ता ने इन्हें कन्या बताया। इनकी एक अद्भुत कथा, भगवान ने पूछा था क्या चाहती है, तो उन्होंने कहा मैं तो सिद्धा हो गई, पवित्रा और पूर्णा बन गई हूं, लेकिन मेरे पति अभी भी व्याकुल होंगे, क्रोध के बाद व्यक्ति अशांत रहता है, इसलिए जहां भी मेरे पति हैं मुझे उसी लोक में भेज दीजिए, क्योंकि उनका चित्त मुझे देखकर शांत हो जाएगा, और मैं पत्नी हूं, ये मेरा धर्म बनता है कि मैं अपने पति को भी क्षमा करूं। मैंने कितनी भूल की है मैं नहीं जानती, पर मेरे पति से भी भूल हुई है, मुझे भारी श्राप दिया है, मैं उन्हें देखूंगी, उनके पास पहुंचूंगी, मैंने हृदय से क्षमा कर दिया है उनको, कि जब उन्हें पता लगेगा तो उनका चित्त शांत होगा, इसलिए देव मैं आपके लोक में नहीं जाऊंगी, मैं पति के लोक में जाऊंगी, मुझे वहां भेज दीजिए। ये भारत की नारी है, इसे भारत की नारी कहा गया है। गौतम नारी बार बार हरि चरण परे यही भांति सिधारे। गौतम नारी बार बार हरि चरण परे जो अति मन भावा सोई बर पावा कई पति लोक आनंद भरे। पर सद पर पावन सो प्रगट भई सही दर्शत पद पावन सावन। भगवत प्राप्ति का पहला उपाय भगवत भक्ति का, और भगवत भक्ति से भगवत प्राप्ति का पहला उपाय भगवान स्वयं बताते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदो सुख क्षमी। इसे याद रखिए, आप बड़ा होना चाहते हैं, सामर्थ्यवान बनना चाहते हैं, देव सामर्थ्य चाहते हो, सामान्य नहीं, देवताओं जैसी सामर्थ्य चाहते हो, उतनी सामर्थ्य जितनी सूर्य में है, वैसा बल ऐश्वर्य चाहते हो, उतना तेज जो चंद्र में है, उतना जो नक्षत्रों में है,
आइए एक साधन कर लो, और वो अभी होगा कल नहीं कर पाओगे, वो तो अभी हो पाएगा। जिनसे नाराज बैठे हो उन्हें क्षमा कर दीजिए, जिनसे नाराज बैठे हो, जिनसे क्रुद्ध हो, कुपित हो, जिनसे क्षोभ है, जिनसे मलानता है, जिनसे घृणा है, जिनसे ग्लानी है, ये अपनी हानि है, उनकी नहीं है। हम जिनसे घृणा करते हैं उन्हें तो पता भी नहीं, पता नहीं हम क्यों दुखी है।